पहली बार देख रहा है, उनको याद रहे 75 डेज का कोर्स चल रहा है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपको ये समझना है कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। देखो पहला जो है, बोथ ऑफ द हाउसेस पार्लियामेंट रिज्यूम डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? देखो राष्ट्रपति जो पहला कोई भी संसद का अधिवेशन सत्र शुरू होता है उसके पहले दिन मतलब वहां स्पीच देते हैं, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल में ये डेडिकेटेड है, स्पेशल सेशन का और रेगुलर सेशन का, राष्ट्रपति का, आप हमें जरूर बताइएगा ताकि आपका रिवीजन हो पाए, और मैंने बताया हुआ है। सो आपको याद रखना है ये मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये दोनों हाउस में पास किया जाता है। अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो रूलिंग पार्टी का डिफीट समझ लिया जाता है, वो हार जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये मोशन ऑफ थैंक्स का ये स्टोरी है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टू रिज्यूम डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट है वीमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्र। अब ये जो व्योमित्र है इसको समझो आप, ये व्योमित्र क्या है? देखो हम लोगों को जाना है कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस में, मतलब स्पेस में जाना है, तो इसके लिए इसरो का गगनयान मिशन है। और ये गगनयान मिशन का काम क्या है कि ये गगनयान मिशन आपको ध्यान दिलाती है कि भैया हम भी अब स्पेस में मानव के साथ जा सकते हैं। पहले रूस जाता था, अमेरिका जाता था, या और भी देश जो जाते थे। सो इसके लिए वीमेन रोबोट भेजी जाएगी। देखो महिला एम्पावरमेंट पे या वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा लाल किले पे भी ये सारी चीजें प्रोसेस चल रही थी। सो इसके लिए व्योमित्र नाम रखा गया है उनका, वीमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट का, व्योमित्र। बात समझ में आ गया? क्या नाम रखा गया है? व्योमित्र। ये आपको क्लियर रखना है दिमाग में कि किसका क्या नाम है। व्योमित्र नाम है वीमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट का। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन में, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखा है हमने। देखो ये है प्रीडेटर ड्रोन जो आपको दिख रहा होगा, मैं सामने से हट जाऊंगा तो पूरा क्लियर दिखेगा आपको। ये प्रीडेटर ड्रोन जो है अमेरिका से खरीदने की मंजूरी मिल गई है। अब ये क्या है आपको मालूम है ना, भारत का बॉर्डर दो तरफ से बहुत इनसिक्योर है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और ये इतनी ऊंचाई पे जाकर के सर्विलांस कर सकता है। इसके नीचे वाले हिस्से में बड़े बड़े मिसाइल्स भी आ सकते हैं जो कि टारगेटेड अटैक करेंगे। मान लो जैसे बगल वाले बिल्डिंग को नहीं मारना है तो जिस बिल्डिंग को गिराना है सिर्फ उसी पर अटैक करेगा, बगल वाले बिल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस सर्विलांस के लिए यहां से लेजर रेज वगैरह छोड़ता है या इंफ्रारेड छोड़ेगा, जिससे बहुत सारी जानकारी एकत्रित हो जाती है। सो ये आपको समझना है कि ये यूएस से भारत को परमिशन मिल गया है, 31 खरीदे जा रहे हैं, 31, और एक का दाम है $3 बिलियन। ये कितना बड़ा आप समझ लो प्राइस वाला चीज है, $3 बिलियन सिर्फ पूरे, सॉरी ये पूरे डील का $3 बिलियन है। तो आप इससे आंकड़ा लगा लो कितना ज्यादा महंगा है। तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसी तरीके से 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाते हैं, कोस्ट गार्ड डे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस या वेट लैंड डे मनाते हैं। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे अगर कहो आप, तो ये ह्यूमन फ्रैटर्निटी डे यहां मनाते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख लेंगे। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर यानी नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो घर और ट्रैक चाइल्ड, ये दो पोर्टल बनाए गए हैं, घर और ट्रैक चाइल्ड, ठीक है। ये दो पोर्टल किसने बनाए हैं? एनसीपीसीआर ने, बच्चे जो वापस आते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है आपका 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी किसने दी है? तो अमेरिका ने दी है। 31 प्रीडेटर ड्रोन जो है इसके बेचे जाएंगे भारत को, ठीक है। मैंने इसके बारे में इसकी फोटो भी दिखा दी है। रितु बारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो उत्तरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है उत्तराखंड की। अगला है ये देख लो आप, यही है प्रीडेटर ड्रोन जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा किया था। इसके इतनी फीचर्स हैं, ये सर्विलांस में बेसिकली देखो जो बहुत हाई अल्टीट्यूड है जैसे ग्लेशियर्स में है, जैसे आपको सियाचिन का पता होगा, वो चाइना के एरिया भी थोड़ा पड़ता है और इंडिया के एरिया में भी थोड़ा पड़ता है। अब आपको ये समझना है कि भैया उसको हमें कैप्चर करना है, तो वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ कभी कभी गिरेगी कि आप उस बर्फ की ऊंचाई वाले जगह से नहीं जा सकते हो प्लेन लेकर के, और उसमें आदमी रहता है, अगर वो गया तो फिर आदमी क्या उतना ज्यादा लॉस हो जाएगा। बट ये लेकर के आप जितनी हाइट पे चाहो चले जाओ, वहां से सर्विलांस कर सकते हो, वहां से बमबारी भी कर सकते हो, किसी आदमी को भेजने की जरूरत नहीं, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक इससे अगर करना हो तो बहुत ईजी है। स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबल रैंकिंग 2023 में अमेरिका इज ऑन द टैप टॉप। भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम है वज्र प्रहार, जो कि उमरोही मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न मामले में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में, यूनिकॉर्न मामले में यूएस जो है वो टॉप पे है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई यूएस के मैरीलैंड में,
और भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है न्यू जर्सी में। तो ये देखो कितना सारा चीज है इसमें जो आपके काम का है। न्यू जर्सी में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईश्वर प्रसाद नंबूदरी। ईश्वर प्रसाद नंबूदरी को शंकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझ में आ गया? कौन से अवार्ड से? शंकर मेमोरियल अवार्ड। ठीक है। साउथ की किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमीझगा वेत्री कसगम, नाम याद रखना थोड़ा टफ होगा नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए, तमीझगा है ना, वेत्री कसगम लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है थलापटी विजय ने। क्या लॉन्च किया है? थलापटी विजय। और ये जो हमारी क्लास है ना, इसके साथ साथ हमारी और भी क्लासेज हैं, तो शेड्यूल पे आप जरूर ध्यान रखिएगा कौन से शेड्यूल कब किस टाइम पे कौन सी क्लासेज आ रही है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे और तैयारी आपकी हो जाएगी गड़बड़। तो ये बनाया है थलपति विजय। और हमें कमेंट करके ये बताओ कि कौन कौन से बच्चों का थलपति विजय जो है वो फेवरेट एक्टर है, जल्दी बताओ। पूनम सुरुचि एंड चंद्रशीला बड़े दिनों के बाद आए हैं ना, तो सब लोग आए हुए हैं, फिर कल से डिमोटिवेट होके गायब हो जाएंगे। अभी मैंने सुबह एक सेशन लिया था जिसमें मैं ये समझाया हूँ कि कौन कहाँ है और वहां से कैसे तैयारी करना है। तो ये जो है मोटिवेशन ज्यादा टिकता इसीलिए नहीं है। और हाँ एक चीज और, आज शाम तक जनवरी और फरवरी मतलब अभी तक और पुराने जितने करंट अफेयर्स है सबको मैं आपको अपडेटेड वर्जन में प्रिंटेड अगर प्रिंट कराना हो तो भेज दूंगा, जो पेड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रहा हूँ, और जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उनको तो डे वाइज मैं पीडीएफ देता ही हूँ, उनको दे दूंगा। ठीक है। माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो असम में है, वहीं किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो कोरोमंडल कोस्ट याद करो तमिलनाडु की तरफ है, तो वहीं पे लगा है ये जुर्माना। तो थलपटी विजय। ठीक है भैया आ जाओ, सामने आ जाते हैं, नहीं तो सब लोग कहोगे कि सर गाइस गायब। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये झारखंड में शुरू हुआ है, पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्टर्न जो अफेयर्स हैं वो। सूचना एवं प्रसारण सचिव संयुक्त निसे किसे नियुक्त किया गया? संजय जाजू को। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव, अजंता नाम है, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है। 2024-25 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ा करके 3500 करोड़ कर दिया गया। ठीक है। चलो अब जो है क्लासेस की टाइमिंग, जिन बच्चों को नहीं ध्यान होगा वो एक बार थोड़ा अपने आंख पे पानी छिड़के अच्छे से और उसके बाद देख ले। ठीक है। ये क्लासेस की टाइमिंग आपको फॉलो करनी है, और जो ऑफर है हमारे टेस्ट सीरीज पे या बाकी चीजों पे आप ले सकते हो, और उसको और भी डिटेल और बाकी यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करते हुए हम आपको काफी सारी चीजें दिखाएंगे। आज मैप में हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट को, जो कि सबसे दुनिया का पावरफुल देश आप कह सकते हो। ये जो है इससे हम लोगों ने क्या खरीदा है? प्रीडेटर ड्रोन खरीदा है। तो याद रखिएगा 31st प्रीडेटर ड्रोन का डील जो है वो $3 बिलियन में हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो ये देख लो आप, ये है कनाडा के नीचे यूनाइटेड स्टेट, जिसमें 50 स्टेट हैं, जिसमें नॉर्थ डकोटा, मिनसोटा, विस्कॉन्सिन, आयवा, साउथ डकोटा है ना, वियोमिंग, मोन्टाना, इडाहो, वाशिंगटन, ओरिगाओ, ये सब है। बहुत सारे लोग होंगे जो सर हम लोग को कब आप पेड क्लास लेंगे? नहीं समझ में आया आपका बात। एक्चुअली मैं लगातार हाँ आपकी फेवरेट होगी, लगातार कुछ दिनों से काम कर रहा था, तो 2-3 दिनों के मैं खुद वैकेशन पे था, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं लोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। जो भी आपका सवाल है सुरुचि, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर देना या ग्रुप में डाल दो, सबसे अच्छा रहता है ग्रुप में रिप्लाई करना, ताकि वही सेम क्वेश्चन जो होगा वो दूसरे का भी मिल जाएगा। तो यूएस का याद रखो, यूएस की क्यों इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, देखो चारों साइड से, तो एक तरीके से अगर कहें 2 साइड से तो पूरा ही सी साइड है, जिसे इनका ट्रेड जो शिप बिल्डिंग का है या जो है उनका वो सब कंप्लीटेड चल रहा है। सौरभ क्या हाल चाल है सौरभ? सो यूएस के बारे में आपको कुछ चीजें बता दें, ये ग्रेट 5 लेक्स है, ग्रेट 5 लेक्स ये आपको जरूर याद रखना, ये लेक है। ठीक है। अगर नहीं याद हो तो एक बार देख लो, आपसे पूछा भी जाता है। लेक सुपीरियर ऊपर है कनाडा, ये है कनाडा जहाँ का जस्टिन ट्रूडो आया था, और यहीं के जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, चूंकि ये यूएस के ऊपर ऊपर है तो यूएस बड़ा सपोर्ट करता है इन्हें, और यूएस हर देश में ये कुछ ना कुछ वीकनेस पॉइंट को कनेक्ट करके रखता है यूनाइटेड स्टेट। उससे क्या होता है कि वो उस देश को कंट्रोल कर पाता है। समझ रहे हो आप ये चीज?
तो ग्रेट फाइव लेक्स का नाम बताओ जरा। बड़ी दिनों के बाद आया हूं, तो सब लोग आ रहे हो आज, है ना? मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई, आपकी एग्जाम है, मैं परेशान हूं। आप लोग कहाँ रहते हो भाई? क्या टेंशन ही नहीं हो रही है? एग्जाम है तो कौन पढ़ेगा? पढ़ने के लिए आदमी रखा हुआ है, नहीं? हाँ वही ना। पढ़ने के लिए तो आप लोग आदमी रखते हो, क्यों पढ़ोगे? कोई बात नहीं है। सो ग्रेट फाइव लेक्स का नाम किसी को नहीं है। देखो, ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ये है टोरंटो जगह है, ये है ईरी और ये है ओंटेरियो। समझ में आ गया? हमारे देश में बफलो जो है, बफेलो जिसको बफलो कहते हैं, जो कह लो वो यहाँ भैंस को कहते हैं, यहाँ एक जगह है, मतलब उनकी जगह हमारी भैंस बराबर है, समझ रहे हो? तो थोड़ा भौकाल में रहता है, इंडियंस के साथ ये चीजें हैं। है ना? सो अब बताओ ग्रेट फाइव लेक्स का नाम जल्दी से। मैं चाहता हूं कि आप लोग ग्रेट फाइव लेक्स याद कर लो, कौन कहाँ है, नहीं तो याद नहीं होगा, फिर बाद में चिल्लाते हो आप लोग कि याद ही नहीं है सर, क्या करें सर, बताइए सर, कैसे चलेगा देश दुनिया? याद ही नहीं करोगे कुछ भी तो फिर तो दुनिया गड़बड़ हो जाएगी। लॉ से रिगार्डिंग एक जो है इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या लखनऊ है, उनका क्या चल रहा है, प्लस आपका जो लॉ का प्रिपरेशन है वो किस स्टेज पे है, उसको देखते हुए कैसे तैयारी करना है, थोड़ा गाइडेंस वीडियो और इन्फॉर्मेशन भी दोनों रहेगा। सो ग्रेट फाइव लेक्स आपको याद होने चाहिए, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं अगला, यूएस से आपको और कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रखनी है, लाइक यूएस की राजधानी, एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करके आप क्या करोगे? एंशियंट हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? ये तो थोड़ा अजीब ही सवाल है कि ये सर एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई कर लो। अगर आपको अगर पर्टिकुलर करना है तो लुसेंट की एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक आती है, उससे कर लो। ये इतना डिफिनिट आपको करना है एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी एंशियंट, क्यों भाई? सिर्फ एंशियंट से क्वेश्चन कहाँ देख लिया आपने? एक साल कभी पूछ दिया होगा? कभी पूछ दिया होगा उसने? हमेशा नहीं पूछते हैं वो। ये बताओ करंट अफेयर्स पे किस लेवल की पकड़ है आप लोगों की, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में मैं करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासेज रन करूंगा, ठीक है? और ये रन करूंगा तो इसमें जो है इस क्लासेस को लगातार रन करूंगा किसी एक टाइम में, ताकि आपकी जो तैयारी है वो जैसे 6 महीने का होगा तो 6 महीने का 6 दिन में कर देंगे। टेंशन है, टेंशन तो होगा ही ना, आखिरी टाइम में आप आओगे पढ़ने और पढ़ाई में भी मजाक करोगे तो फिर टेंशन तो होगा। तो ये तो मैं पहले से कह रहा हूं कि आप लोगों को लगता है कि सर आ रहे हैं तो सर के पास बहुत टाइम है, मैं सारी क्लासेज ही बंद कर दूंगा। बीए वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लासेज शुरू करूंगा। पीजी वालों का लगाव है ना थोड़ा, क्योंकि खुद पीजी अच्छे से मैंने किया है, तो सोचता हूँ चलो इन लोगों को कोई गाइड नहीं करता है, हम कर देते हैं, और जो भी आपको गाइड करते हैं वो बस बहकी बहकी बातें करेंगे, कुछ देंगे नहीं। चलो अब देख लेते हैं वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये डीसी जो है कहाँ पे है? तो ये है आपका वाशिंगटन। अभी जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके नाम पे ये जॉर्ज वाशिंगटन रखा गया था। दिस इज द प्लेस वेयर ऑल वर्ल्ड कंट्रोल, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है ये प्लेस के बारे में। और ओके, सो आप यही कर लो, मुश्किल है वो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कोई प्रोवाइड कर पाए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूएस में आईएमएफ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर बात समझ में आ गई? आईएमएफ का भी कहाँ है? यहीं पे है, वाशिंगटन मतलब अमेरिका, यूएस डीसी में। और ये भी कुछ रिवर्स हैं जो यूएस के बारे में आप याद कर सकते हो। अच्छा, यूएस में एक और चीज आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में दोनों में माउंटेन सीरीज को, जैसे रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? रॉकी माउंटेन ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ है, और एंडीज माउंटेन कहाँ है? साउथ में है, समझ रहे हो?
तो ये आपको पता चलेगा कैसे, यहाँ पे साइड में देखोगे एलएलबी वाले पे ध्यान दे दीजिए। जी हाँ, एलएलबी वाले पे ही आज से वीडियोस आएंगी। एलएलबी वाले खुद ही अपने पे नहीं ध्यान दे रहे, आप तो ठीक हो पढ़ाई में आप कर रहे हो, लेकिन बाकी मान लो मैं कोई भी चीज़ जैसे लाइव सेशन लेकर के आता हूँ या कुछ भी लेकर के आता हूँ, ना आप लोग लाइक करते हो, ना दोस्तों के साथ शेयर करते हो, आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो तो ग्रुप में ज्वाइन होंगे, तो आप लोग जब कुछ करोगे तो नहीं तो YouTube उसको रेकमेंड नहीं करेगा, रेकमेंड नहीं करेगा तो फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने में। तो इसलिए लाइक करना और शेयर करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो आपका काम तो हो ही रहा है, आप सामने वाले का भी ध्यान दिया करो। क्योंकि मैंने क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो आपको रियल कॉम्पिटिशन किस लेवल का है पता चलेगा। जैसे सुरुचि ने अभी कहा कि सर एंशियंट की चाहिए, मतलब इनका है कि बाकी हिस्ट्री इनका ठीक है, तो एक चीज पता चला ना, ये क्या होता है, ये आपके टफनेस लेवल को डिसाइड करता है, बात समझने की कोशिश करिए। तो यही आपको करना है। सो मैप में याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका में लगभग यूनाइटेड स्टेट ही है, और ये यूनाइटेड स्टेट क्या करेगा, इसके ऊपर कनाडा है और ये हो जाएगा अलास्का, ठीक है, आर्कटिक ओशियन, बेरिंग सी, एंड नीचे की तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है, ये ग्वातेमाला, निकारागुआ, क्यूबा, हैती, ये सब सेंट्रल अमेरिका इसे कहते हैं, और फिर ये नीचे आ जाएगा साउथ अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमें मैप ही समझ में नहीं आता है, तो देखो कोई भी देश ले लो आप और उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ हो जाता है ऊपर, साउथ हो जाता है नीचे, तो ये हो जाता है आपका ईस्टर्न साइड, ये हो जाता है वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड का अगर सी का पता हो, जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो आपको ये आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। ठीक है, एशिया है तो एशिया के ईस्ट और वेस्ट में क्या है, जैसे नीचे है इंडियन ओशियन, इधर है वेस्ट एशिया, इधर है इंडियन ओशियन, समझ में आ गया आपको, तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर है। हाँ जी, एलएलबी वाले के लिए स्पेशल वीडियो आज 3-4 बजे से आएंगी। सुरुचि आपकी 3 PM पे वीडियो आ जाएगी एलएलबी की, ठीक है, दिन भर टाइम दे रहा हूं ताकि अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पोर्शन लिख करके और ग्रुप में कमेंट करो, हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपको खुद लिखना है और मुझे उसकी फोटो भेजनी है कि सर मेरा ये वीक है, ताकि उसके हिसाब से मैं प्लान कर पाऊँ। आज सुबह जो क्लास था लिया था मैंने, वो सबके लिए था, बाद में मैंने भेजा है आपको, बट किसी कोई आया नहीं। चलो भैया अब आ जाओ, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हमने जहाँ हिस्ट्री में पढ़ा था उसके थोड़ा आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे अभी इंटरेस्टेड रहते नहीं है ज्यादा, तो मैं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ये है मुगल रूलर्स का अब आएगा टाइम। मुगल बड़ा न्यूज में चल रहे हैं आजकल, मुगल है कि नहीं, मुगल क्यों न्यूज में चल रहे हैं भाई, अब समझो इसको क्यों न्यूज में चल रहे हैं। मुगलों ने क्या उद्धम मचाया था बोलो, मुगल है, ये है बाबर, और बाबर ने 1526 में, इसका नाम था, फुल नेम ऑफ द बाबर वाज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये मत सोचना कि सिर्फ बाबर नाम था इसका। तो ये 1526 से 1530 में यहां पहुंचा, ही फाउंडेड द मुगल रूल इन इंडिया, क्यों, इब्राहिम लोदी को हरा करके, ही वाज डिसेंडेंट ऑफ तिमूर फ्रॉम द साइड ऑफ फादर। देखो ये व्यक्ति पिता के तरफ से तैमूर लंग का वंशज था और माता के तरफ से चंगेज खां का, और ये दोनों खूंखारी थे, तैमूर लंग हो या ये चंगेज खान हो, ये दोनों के दोनों खूंखार थे, समझ रहे हो आप, तो ये खूंखार लोग जो हैं ये आपको यहां आकर के शासन कर लिए, तो ये याद रखना, मदर जेनियोलॉजी मैटर करता है, आप किसके बेटे हो और कैसे क्या करते हो। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 21 अप्रैल 1526, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये आपको कहाँ हुई थी, पानीपत बंगाल में है, ठीक है। अगला है बाबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑन 27 अप्रैल 1526, ही यूज्ड तुलुगमा टेक्निक इन द बैटल ऑफ पानीपत। ये जो है बैटल में इसने तुलुगमा टेक्निक को यूज किया था। अब आपको ये सर्च करना है कि व्हाट इज तुलुगमा टेक्निक, समझ में आ गया, ये आपको सर्च करना है। बैटल ऑफ चंद, देखो इसके टाइम में 4 बैटल हुए और सिर्फ आज ये 4 ही याद रखना, क्योंकि इसका मैं ट्रिक देने वाला हूं और ये जब याद कर लोगे तो इतना ही एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो। पहला तो इसने बैटल ऑफ पानी पिया, तो बैटल ऑफ पानीपत तो पानी पी लिया,
फिर खाना खाया, बैटल ऑफ खानवास, एक एक साल मतलब हर साल हुआ है, 27 में फिर ये लड़ाई किया। ही अनाउंस जिहाद इन द बैटल एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। तो आप लोग जो सोचते हो जिहाद, तो क्या हुआ, बैटल ऑफ खानवा में राणा संगा जो था मेवाड़ का, उसने इन लोगों वो इन लोगों पे बहुत भारी पड़ा, और भारी पड़ने की वजह से इतनी मुश्किल इन लोगों की हो गई थी कि इसने क्या किया, इसने जिहाद का नारा दिया। तब जब इसके सिपाही थे वापस लौटे और इन्होंने युद्ध किया, नहीं तो ये सब लोग युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गए थे। तो जिहाद मतलब जिहाद वो गाजर है जो कि क्या करता है, जिहाद का गाजर दिखा करके, और आज तक देखो आप आज तक कारनामे हो रहे हैं। जिहाद कुछ नहीं है, इस जन्म में वो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं और मरने के बाद का जन्नत उनको दिखा देंगे। कौन जानता है कि कहाँ जन्नत मिलना है, कुछ नहीं मिलता है। ये लोग धर्म के नाम पे, कुछ लोग बहकाने वाले लोग हैं, हर धर्म में है, ऐसा नहीं कहेंगे सिर्फ इस्लाम में है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ तो करवाने के लिए, कुछ तो सेक्रीफाइस करवाना होगा ना, कुछ तो उनको दिखाएंगे ना कि भैया तुम्हें यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां जन्नत मिल जाएगा। अरे यहाँ की जिंदगी तो उसकी नर्क हुई पड़ी है यार, जहन्नुम हुई पड़ी है। ठीक है, समझ गए। सो बैटल ऑफ खानवा में जिहाद इसने इन्वोक किया था, बात समझ गए। अगला है बैटल ऑफ चंदेरी। तो पानी पिया, खाना खाया, अब उसने चांद देखा 1528 में। तो बाबर डिफीटेड मेदिनी राय, बाबर ने फिर मेदिनी राय को हराया, ठीक है। और ये मेदिनी राय को हराने के बाद फिर से एक लड़ाई हुई है, बैटल ऑफ घाघरा। तो चार बैटल है ना, देख लो यहाँ पे, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घाघरा पहन के चल दिया। बात समझ में आ गया, बैटल ऑफ घाघरा। तो बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी, बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। समझ में आ गया आपको। तो ये चारों चीजें ही सिर्फ आपको याद रखनी है। फिर कल से जो हमारी क्लासेज होगी रेगुलर इस 8 बजे से, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी की पूरी ये सिलेबस कवर करा दें। करेंट अफेयर्स की टाइमिंग 6 दिन हम डेडिकेट करेंगे, जिसमें आपको पूरा करेंट अफेयर्स रिवाइज कराएंगे। उसके पहले आपको पीडीएफ दे देंगे ताकि एक बार आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आप उसको रिवीजन के लिए आ जाओ। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रहेगा सारा कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले मेरा काम है भाई आपको सब चीज़ दे करके, सब चीज़ पढ़ा के भेजना। और इस बार कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ही क्योंकि एग्जाम 4-5 महीने पहले हो रहा है। जो बच्चे जून जुलाई में एग्जाम देते थे तपती गर्मी में, वो मार्च में एग्जाम दे रहे हैं। तो सारा कुछ जो है वो चेंज हुआ पड़ा है। चलो भैया, तो बैटल ऑफ घाघरा आपने देख लिया, किसको किसने हराया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घाघरा पहन के निकल लिया। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी इन तुर्की। तुजुक बाबरी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाई अब्दुल रहीम खाने खाना एंड इन इंग्लिश बाई मैडम विवरेज वेब्रिज। इन 1530 ही डाइड एट आगरा, हिज टॉम्ब इज एट काबुल। इसका जो बाबर का काबुल में है मकबरा, बाबर आर्मी चीफ मीरबा की बिल्ट बाबरी मस्जिद। तो अब इन लोगों को ये लगता है कि भाई बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ के मंदिर बनाया गया, क्योंकि उसके पहले मंदिर था, बाबर ने तोड़ा उसको, तोड़वाया और बनवाया। वो सिर्फ इसी को नहीं, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। समझ में आ गया। तो बाबर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। कल से जो हमारी क्लासेज होंगी माय डियर स्टूडेंट, वो आपको इसके आगे की पूरी दास्तान हम पढ़ा ही देंगे एक ही दिन में। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 PM से सारी क्लासेज ऑन द टाइम रहेंगी, मैंने टाइम आपको दिखाया हुआ है, और आपको जमे रहना है और आज पढ़ाई करना है। कोई भी लापरवाही किसी तरीके का नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।